प्रवक्ता जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी ने कहा कि योगी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा होनी चाहिए। गौ के लिए जो कानून बनाया है वह बहुत ही शक्तिशाली कानून है। आने वाले समय में हिंदू समाज को गौरव प्रदान करने वाला कानून होगा। योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे संत पुरुष, ऐसे महापुरुष जब हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था उनके हाथ में है तो निश्चित रूप से ऐसे कानून बनेंगी। समस्त हिंदुओं को योगी सरकार पर पूर्ण विश्वास है। यूपी में गौकशी पर कानून सख्त, 10 साल तक की जेल, दोबारा दोषी पाए जाने पर सजा भी दोगुनी। उत्तर प्रदेश में गौकशी पर कानून सख्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत गौकशी के दोषी को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में फैसला, योगी सरकार ने यूपी गोवध निवारण अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी। इसके तहत गौकशी करने पर 10 साल की सजा का प्रावधान, 5 लाख तक का जुर्माना, गोवंश के अंग भंग पर 7 साल की जेल, 3 लाख का जुर्माना अभियुक्त पर लगेगा। प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, योगी जी महाराज ने यूपी गौवध संशोधन बिल लेके आ गए हैं 2020। निश्चित रूप से जो गौ तस्करी करने वाले हैं, गौ वध करने वाले हैं, उनको 10 साल का सजा, कम से कम जो है 10 साल का सजा होगी, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा, उनके अंदर भय का वातावरण बनेगा। योगी जी महाराज ने कुंभ मेले के अवसर पर बोला था, साधु संतों के बीच में आके, जब महात्माओं का सम्मेलन था तो आके बोला था, विश्व हिंदू परिषद के बीच में, साधु संतों के सम्मेलन के बीच में आके बोला था महाराज जी ने, कहा था कि अब आपको मंच पर जो है प्रस्ताव पास करने की जरूरत नहीं है, अब लोकसभा विधानसभा में प्रस्ताव पास होगा, आप जनता जनार्दन ने हमें चुन के भेजा है कुछ काम करने के लिए, तो अब जो है मंच पर जो है वो आप मंचों के ऊपर में जो है वो प्रस्ताव पास मत कीजिए, अब विधानसभा में लोकसभा में प्रस्ताव पास होंगे। तो ये गौ, हमारा गौ का जो बिल है उसका संशोधन के लिए बहुत समय से साधु महात्माओं का मांग था, तो योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनको बहुत बहुत मंगल कामना है कि ऐसे उनके जो दादा गुरु जी थे, दादा गुरु जी श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज ने कहा था कि जब तक आप जो है भारत का जो सिस्टम है उसमें नहीं आएंगे तब तक हम कोई भी कानून अपने लिए नहीं बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा योगी जी और उनके गुरु जी और योगी सरकार ने ये जो है जो किसी का गौ का अंग का भंग हो जाता है उसको 3 साल का सजा है और साथ में 3 लाख रुपए जुर्माना है। किसी भी मोहल्ले में कोई व्यक्ति, वो दोषी व्यक्ति जो रहता है, जो गौ तस्करी कर रहा है, उसके फोटो, बड़े बड़े फोटो लगेंगे, वो फोटो लगने से क्या होगा कि लोगों को दिखेंगे तो एक भय का वातावरण होगा। तो निश्चित रूप से बहुत सारे चीजों का अनुशासन जब बनता है तो व्यक्ति के अंदर में भय पैदा होता है, जब तो भय नहीं होगा तब तक किसी प्रकार का कोई अनुशासन नहीं बनेगा। तो इसीलिए योगी की बहुत बहुत, योगी सरकार को, उत्तर प्रदेश में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारा साधु समाज की तरफ से, और हम लोग उनको शुभकामना देते हैं। मैं श्रीपंत दसनाम जूना अखाड़े का राष्ट्रीय प्रवक्ता होते रहे नाते बहुत बहुत उनको मंगल कामना देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। योगी जी के नेतृत्व में अब जो है गौ तस्करों की खैर नहीं है, हमारे जो है गौ पालक है, गौ रक्षक है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत समस्या आती थी, कोर्ट में जाते थे हम लोग लेके, कोर्ट में छूट जाते थे और जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई, कई गौ सेवकों की हत्या हो चुकी है और उसके ऊपर में जो है जो हमारा कानून में हमारा कोई अधिकार नहीं था। तो निश्चित रूप से अब हमें कानून प्राप्त हो गया है तो गौ रक्षा के लिए विशेष रूप से महाराज जी जब प्रातःकाल उठते हैं तो वो सबसे पहले गौ माता के पास जाकर गौ को जो गौ ग्रास देते हैं, गौ को सेवा करते हैं, तो उनके गौ की उनके इतनी पीड़ा थी क्योंकि हमारे सभी देवी देवताओं का वास जो है वो 33 कोटि देवता है उनका जो वास है वो गौ के अंदर है। जितने भी बड़े बड़े देवस्थान है, जैसे मान लीजिए हमारा दूधेश्वरनाथ मंदिर है तो वो भी गौ से प्रकट हुआ है, जैसे द्वारकाधीश है वो गौ से प्रकट हुआ है, जो जितने भी बड़े बड़े स्थान है, जो प्राचीन जो हमारा स्थान है वो गौ माता से प्रकट हुए हैं। तो इसीलिए गौ माता पूजनीय है, वंदनीय है कि गौ माता जो है कि जन्म जन्म का हमारा नाता है, गौ हमारी माता है। तो निश्चित रूप से योगी सरकार ने जो ये निर्णय किया है वो बहुत धन्यवाद के पात्र है और बहुत बहुत शुभकामना। हरिओम, जय हो, हर हर महादेव। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।